अगला टारगेट क्या है? अभी तो एशियन अंडर 22 है मेरी, अभी उस पे फोकस है, एशियन गेम्स पे। फिर 2024 ओलंपिक एम है, ओलंपिक में जाना है 2024 ओलंपिक। ठीक है, पहले एशियन में फिर ओलंपिक में। और अभी सफलता का आप श्रेय किसको देती हैं जो आपको इतना बड़ा मेडल मिला है वर्ल्ड चैंपियनशिप में? और एक बहुत छोटे से गांव से, बड़े छोटे उससे शुरू किया आपने, गांव में आप पेड़ के साथ जो बॉक्सिंग का पंचिंग बैग टांग के और उस पर प्रैक्टिस करती थी, जोड़ के किनारे वो आपका बना हुआ था। हमारे पास कोई भी सुविधा नहीं थी सरकार की तरफ से, हमें कोई भी कभी भी सुविधा नहीं मिली है। हमारे पास रिंग भी नहीं था, बैग भी हम पेड़ पर बांध के उस पर किट करते थे और नीचे ज़मीन पर बॉक्सिंग मूवमेंट्स सभी करते थे। इवन तक कि हमारे पास ग्लव्स भी नहीं थे, तो वहाँ पे बहुत सारी हमें तकलीफें आई, लेकिन मैं सारा श्रेय अपना अंकल साहब सिंह नरवाल को दूंगी, जो कि मेरे बेसिक कोच हैं, और भी जो अभी इंडिया कैंप में हैं जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया है, जो भी और कोचेज हैं उनको भी, सभी को ये मेडल श्रेय, उनको मेडल। आपके परिवार ने, आपके पिताजी ने भी आपका साथ दिया शुरू में, आपको मतलब खेलों में आगे बढ़ाया, आपको उत्साहित किया आगे आने के लिए? पापा की डेथ हो गई थी 2010 में, पहले से आप कर रही थी उनके जाने से पहले से, उसके बाद बारम बॉक्सिंग तो बाद में स्टार्ट की, लेकिन एथलेटिक्स में, कबड्डी में तो पहले से आई थी। मैं फिर मैंने छोड़ दिया था, फिर 2013 में स्टार्ट किया। उनके आपके पिताजी के जाने के बाद फिर अंकल ने ही संभाला आपको, साहब सिंह जी ने, और इन्होंने आपको बेसिक कोचिंग दी जिससे कि आप इस मुकाम पे हैं। ठीक है बेटा, बहुत बधाई आपको और ऑल द बेस्ट आगे के लिए। ओके, थैंक यू। इस कराई और क्या इसमें गुण थे जिसकी वजह से आज इस मुकाम पे पहुंची है, और बाकी बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपने तो बहुत लड़कियों को कोचिंग दी है, बच्चों को दी है, और आपसे कोचिंग लेके नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक भी पहुंचे हैं काफ़ी बच्चे, तो थोड़ा सा आप बताइए। हाँ, इसमें मंजू बचपन से ही टैलेंट था जी, और ये ग्राउंड के अपने जो टाइमिंग था इसका सबसे बढ़िया था जी, ग्राउंड का जो टाइमिंग था, शाम का भी सुबह का भी, इसमें और कुदरती भगवान ने गुण दे रखे थे, टैलेंट था इन्होंने, तो फिर हमारा भी सारा मिल गया। अरे ना, ये जो आज ये मेडल लिए तो अपनी मेहनत छी ली है, कुछ थोड़ा बहुत हमने मदद की जिसी भी हुई, सरकार से कोई मदद नहीं मिली जी हमें, सरकार सारी आली बीजेपी आई, चौटाला आया, जो भी कांग्रेस आली, हमने मारते कोई मदद नहीं, हमारे सरपंच साहब ने मदद करी है या गाँव वाला राउट आज ने मदद करी है। यस, वैसे खुद ही अच्छी खिलाड़ी रही है, पंक्चुअल रही है, सिंसियर रही है, हार्डवर्किंग रही है, और प्लस आपकी कोचिंग जो है उसकी वजह से जो है यहाँ तक पहुँची। कितने बच्चे? और कोचेज का भी सारा मिला, सपोर्ट मिला। हाँ जी, और इसको कोचिंग बॉक्सिंग की किसने दी? आपने तो शुरू में कबड्डी की दी थी। हाँ, फिर 6 महीने बाद बॉक्सिंग की शुरू कर दी थी। अच्छा, पहले अंकल खुद सीखते थे बॉक्सिंग और फिर हमें सिखाते थे। आपके कितने गर्व होता होगा? हाँ, कितने मेडल आ गए आपके? कितने बच्चे जो है आपके इंटरनेशनल में आए हैं, आपके सिखाए हुए जो बच्चे हैं? 7 लड़की हैं जी। 7 लड़की हैं? हाँ जी, और 2 लड़के प्रदीप फोगाट और अंकित नरवाल। अच्छा, वो अभी बाहर जा रहे हैं दोनों। अच्छा जी, इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं आप भी? एशियन चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप में। और लड़कियाँ कौन कौन हैं जिनके नाम बताएंगे? एक तो मंजू होगी जी, जी, और जोनी जी, फोगाट निशा, मनीषा जी, और शिक्षा जी, और कीर्ति जी, और ये नेशनल की स्वीटी, ये हाँ स्वीटी जी, एक जोनी थी कोई, जोनी का लिया। ठीक है, गीतिका? हाँ गीतिका, एक जो छोटे वाली गुड़िया, मतलब वो जूनियर में, जूनियर सब जूनियर। और नई बात, धन्यवाद।